हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको 10th क्लास का एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 पढ़ाऊंगी। इसमें मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाऊंगी। ये पूरी एक्सरसाइज बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे आधारित है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल यदि आपको अच्छे से याद है तो ये एक्सरसाइज आप बहुत ही आसानी से कर लोगे। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद करने की मैंने ट्रिक बनाई है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे देखिए, टेबल बनाने का तरीका सीखिए और बहुत बहुत आसान तरीके से सीखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस वीडियो की। उसके बाद यदि आप इस एक्सरसाइज को करते हैं तो बहुत ही आसानी से पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। चलिए अब हम 8.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है। हम इसमें सभी वैल्यूज रख के कैलकुलेट करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहली बात, साइन 60 डिग्री कितना होता है? वो होता है बेटा √3/2। यहाँ कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। कॉस 30 डिग्री होता है बेटा √3/2। ये हो गया। साइन 30 होता है बेटा 1/2। यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है। कॉस 60 होता है बच्चों 1/2। अब कैलकुलेट कर लेते हैं। √3 में √3 का मल्टीप्लाई 3 होता है, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1 और 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4। अब आप क्या करोगे, नीचे से 4 कॉमन ले लो तो क्या बचा, 3+1। ये हो गया बेटा आपके 4। 4 से 4 कैंसिल, आपका सॉल्यूशन कितना आया, 1। आपको इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 2 tan 45 की वैल्यू होती है। tan 45 डिग्री होता है बेटा 1 और यहाँ स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया। प्लस cos 30 डिग्री कितना होता है? कॉस 30 डिग्री होता है बच्चों √3/2 और बेटा यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। माइनस है, माइनस लगाया। साइन 60 डिग्री कितना होता है? वो होता है बेटा √3/2। यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दिया। अब थोड़ा आप ध्यान दीजिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, सेम लिखा है, कैंसिल हो गया। ये क्या हो गया 2 और ये बेटा 1। सॉल्यूशन कितना आया आपका, 2। आपको इस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले cos 45 डिग्री बेटा वो होता है 1/√2। कंफ्यूज नहीं होना, ये 1/√2 ही लिखा है, ठीक है। आगे चलें। sec 30 डिग्री कितना होता है बेटा? sec 30 डिग्री होता है 2/√3। प्लस की जगह प्लस। cosec 30 डिग्री कितना होता है? वो होता है बेटा 2/1, ठीक है। अब बेटा ऊपर से आपको 2 कॉमन मिल रहा है, 2 कॉमन निकाल देते हैं। ये 1, ये आपका √2। मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला तो क्या बचा बेटा, अंदर बचेगा 1/√3 प्लस, यहां से 2 कॉमन आ गया है, 1/1 बचा है ना। ये हो गया। ये 1/1 क्यों लिखा है आगे बात करेंगे, आगे चलें। चलिए 1/ बेटा ये 2√2। यहां हम एलसीएम निकाल देते हैं, सरल तरीके से करेंगे। एलसीएम सभी को निकालना आता है, ठीक है, सरल तरीके से करके बता रही हूँ। इसमें इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई √3। यहाँ तक हम पहुँच गए, अब आगे चलते हैं। इसको मैं हटा देती हूँ। क्या बचा बेटा आपके पास, आपके पास है 1/√2, ठीक है। और ये थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, कितने अपॉन है, कितने अपॉन है आपके पास, आपके अपॉन पास है 2 अपॉन। तो जब भी आप 2 अपॉन देखो तो नीचे लिखा हुआ नंबर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। तो ये √3 कहाँ चला गया बेटा, ऊपर चला गया,
तो अब क्या बचा, ये बचा आपके पास 1 + √3, ऐसा बच गया है ना। अब इसको भी हम हटा देते हैं। अब बेटा है ना, आपको ऊपर तो √3 मिल रहा है, नीचे 2√2 मिल रहा है, ये प्लस में है, हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, √3 + 1, आगे पीछे लिख लो, ठीक है, लिख सकते हैं। अब बेटा ये जो है इसका रैशनलाइजेशन कर दो। रैशनलाइजेशन करोगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस का साइन है, माइनस का साइन लेके मल्टीप्लाई कर दो। ये कर दिया, क्या करा, यहाँ प्लस का साइन है, ऊपर नीचे माइनस साइन दिया, वैल्यूज वैसी रहती है ना, सिर्फ साइन बदल जाता है, और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे क्या करोगे, इसको वैसे ही लिख लो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लें, कर लेते हैं, कितना होगा, √3 में √3 का मल्टीप्लाई 3 होता है, माइनस की जगह माइनस, √3 का 1 में मल्टीप्लाई √3, ठीक है। और ये बचा क्या बेटा, 2√2। अब बेटा यहाँ फॉर्मूला लग सकता है इसमें और इसमें, कौन सा, आपने पढ़ा है a + b, a - b होता है a² - b², ठीक है। तो आप इसको a, इसको b, इसको a, इसको b पर देखिए, a + b हो गया, a - b हो गया। फॉर्मूला कहता है a² करो, मतलब बेटा √3 का² है ना, माइनस लगाओ, b² करो, मतलब 1 का² कर दो, ये हो गया। अब इस फॉर्मूले को हम हटा देते हैं, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बेटा ये क्या बचा, 3 - √3, और ये 2√2। √3 का² कितना होता है, 3 होता है, तो बेटा ये 3 हो गया, माइनस 1 का² 1। अब अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं, हम 2 लिख सकते हैं, तो लिख लेते हैं 3 - √3, और नीचे 2√2, और ये आपका 2। अब आगे चलते हैं, ये आपका है 3 - √3, और 2 × 2 हो गया 4√2, ठीक है। अब क्या करेंगे बेटा, हाँ वापस से रैशनलाइजेशन होगा, कहने का मतलब यहाँ से मुझे नीचे से रूट हटाना है, तो क्या करो, √2 का ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा रैशनलाइजेशन कहो, या कहो कि हमें रूट हटाना है नीचे से, तो ऊपर नीचे क्या करा, √2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा इसमें करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2, माइनस की जगह माइनस, और इसमें इसका करोगे तो ये होगा √3 × √2, ये आपका 4, √2 में √2 का मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना, ये 3√2, और नीचे हो गया 8। अब ध्यान देना, दोनों में रूट है एक साथ लगाया, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, नंबरों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 2 = 6, और बेटा ये आपका आंसर आ गया। तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसमें हम वैल्यूज डाल देते हैं। साइन 30° होता है 1/2, टेन 45 होता है 1, माइनस कॉसिक 60°, कॉसिक 60° होता है बेटा 2/√3, अपॉन लगाया, सेक 30° होता है 2/√3, कॉस 60° होता है 1/2, और cot 45 होता है 1। अब क्या करें, अब बेटा देखिए इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 1/2 + 1, एलसीएम निकालोगे 2 आएगा, इसमें इसका मल्टीप्लाई 1 प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई 2, तो ये कितना हो गया 3/2। तो बेटा ये 3/2 हुआ, और ये भी क्या होगा 3/2, है ना, तो लिख लेते हैं इसका सॉल्यूशन, आपने निकाला 3/2, और ये माइनस 2√3, और ये आपका 2/√3 +
इन दोनों का सॉल्यूशन ये आपने निकाला 3/2। अब क्या करोगे, अब ये जो ऊपर और नीचे आया है दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं जगह है इधर। तो एलसीएम निकालोगे 2 और √3 दोनों आएंगे। सिंपल तरीके से करेंगे, इसमें इसका मल्टीप्लाई 3√3 माइनस इसमें इसका मल्टीप्लाई कितना हो गया 4। यहाँ भी ऐसे ही कर लेते हैं 2√3 एलसीएम, इसमें इसका मल्टीप्लाई 4 प्लस बेटा इसमें इसका मल्टीप्लाई 3√3। अब एक बात आप ध्यान रखना, जब भी आप कितने अपॉन देखो, 3 अपॉन देखो, तो ये नंबर से ये नंबर कट जाता है। कितने अपॉन है, 1 है 2 है 3 है, जब भी 3 अपॉन देखो तो ये सेम लिखा है ना, ये कट गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो बचा उसकी बात कर लेते हैं। अब आपके पास ये बचा है बेटा 3√3 माइनस 4 और अपॉन में 4 + 3√3। अब जो आया हम इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं। कैसे, नीचे जो लिखा है उसका साइन बदल के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, तो नीचे प्लस का साइन है, ये नंबर्स ये नहीं बदलते बेटा, तो 4 - 3√3। नीचे प्लस का साइन है, माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई ऐसा। अब क्या करेंगे, सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे जैसे आप करते आए हो। ये देखिए 3√3 का मल्टीप्लाई इसमें, -4 का मल्टीप्लाई इसमें। अब नीचे तो आपका फॉर्मूला लग रहा है बेटा, कौन सा, a प्लस बी, ए माइनस बी का, वो होता है a² - b² ये होता है फॉर्मूला, है ना। तो बेटा फॉर्मूले के हिसाब से चलें, a² मतलब बेटा 4 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 3√3 का स्क्वायर। अब मैं इसको कैलकुलेट भी करके बताती हूँ, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं ऊपर, 3 में 4 का मल्टीप्लाई 12√3 माइनस 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9√3 में √3 का मल्टीप्लाई 3 माइनस। बेटा एक बात ध्यान से सुनना, चलो पहले अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस तो बाहर ही रहने दो, 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16 माइनस 4 में 3 का मल्टीप्लाई 12 और ये √3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको क्या करें, अगली स्टेप में ये आपका 12√3, ये बेटा कितना हो जाएगा 27, लेकिन माइनस का। अब जो बात बताने वाली थी वो क्या है, यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन देखो और यदि आप ब्रैकेट ओपन करना चाहते हो तो अंदर के साइन बदल दो। तो बेटा हम ब्रैकेट ओपन करना चाहते हैं, बाहर माइनस साइन है, अंदर के साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का है माइनस का हो गया, ये माइनस का है प्लस का हो गया, और नीचे क्या हुआ बेटा, इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको 27 लिख लो, है ना। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, -11, इसको भी हटा देते हैं। अब ये कितने हो गए, ये देखिए दोनों में √3 है, तो 12√3 और 12√3 जुड़ गए, ये हो गए 24√3। अब ये दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 43। लेकिन बड़े नंबर का साइन आता है, 27 बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस साइन है, माइनस लगा दिया। ठीक है, अब बेटा ये जो माइनस साइन है उसे आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, इसका मतलब एक ही होता है, इस माइनस साइन को मैंने यहाँ लगा दिया, ऊपर लगा दिया। ठीक है, अब बाहर यदि माइनस साइन है ब्रैकेट के और आप ब्रैकेट ओपन करना चाहते हो तो अंदर के साइन बदल जाते हैं, तो ये पॉजिटिव था
नेगेटिव हो गया और ये बेटा नेगेटिव है पॉजिटिव हो गया, है ना। तो आप पॉजिटिव वाला पहले लिख लो, यहाँ कर देती हूँ, पॉजिटिव वाला पहले लिख लो, नेगेटिव वाला बाद में लिख दो, और अपॉन में 11, और यही आपका आंसर है। आपको इस क्वेश्चन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले ये 5 लिखा, कॉस 60 डिग्री होता है बेटा 1/2, और उसका क्या है स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये आपका 4, सेक 30 डिग्री होता है बेटा 2/√3, और उसका स्क्वायर, टेन 45 डिग्री होता है 1, और यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, साइन 30 होता है बेटा 1/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया, कॉस 30 होता है √3/2, स्क्वायर है स्क्वायर लगा दिया। अगली स्टेप में बच्चों ये 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ये आपका 4, 2 का स्क्वायर 4, और बेटा √3 का स्क्वायर 3, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। और अगली स्टेप में इसे क्या लिखोगे आप, 5 लिख सकते हो, यहाँ 5 लिख लिया, और बेटा 4 × 4 ये कितना बन जाएगा 16, तो 16 लिख लिया, है ना। अब आगे चलते हैं, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, मतलब 1/4, √3 का स्क्वायर 3 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ मैं साइड में, 1/4 प्लस 3/4, इसको हटा देते हैं, हटा देते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेती हूँ बेटा। तो यहाँ पे कर देती हूँ, नीचे से 4 कॉमन, तो क्या होगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस यहाँ बचेगा 3, ये 1/4, ये हो गया 4, कैंसिल करोगे मतलब नीचे का सॉल्यूशन क्या है 1, तो ये 1 हो गया, हटा देते हैं। अब ये बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, है ना। अब क्या करोगे आप, इस पूरे का एलसीएम निकालो, है ना, या तो ये तरीका है, तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा, एलसीएम 12 आएगा। कैसे करते हैं, नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं इस एलसीएम को, तो बेटा 4 से यदि 12 को डिवाइड करोगे 3 आएगा, जो नंबर 3 आया है उसका 5 में मल्टीप्लाई करो 15, प्लस 3 से डिवाइड कर दो 12 को, 4 आएगा, और 4 का मल्टीप्लाई करो 16 में, तो कितना होगा 64, 1 से डिवाइड करो 12 को, 12 आएगा, 12 का मल्टीप्लाई 1 में करा 12। अब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, सिंपल तरीके से कर ले तो इन 15 में से 12 घटाए 3, और ये आपका 64, और ये 12, इनको जोड़ो 67/12 आपका सॉल्यूशन है। यह क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 2 बेटा tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3, लेकिन बच्चों यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा दिया। अब आगे चलते हैं, ऊपर वाला तो मैं वैसे ही लिख लेती हूँ, 2 × 1 2 हो गया, और ये √3, ये 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और बेटा √3 का स्क्वायर 3, है ना। अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, 2/√3 एलसीएम निकालोगे बच्चों, 3 एलसीएम आएगा, ठीक है। सिंपल तरीके से कर दूं, इसमें इसका मल्टीप्लाई 3 प्लस इसमें इसका मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो गया, ये हो गया बेटा आपका ऊपर वाला 2/√3,
और नीचे वाला हो गया आपका 4/3। अब मैंने आपको अभी बताया था 1, 2, 3, 3 अपॉन होते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, ये दोनों मतलब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं। कैसे कैंसिल हो जाते हैं अब वो मैं आपको बता देती हूँ डिटेल में। चलिए देखिए क्या होता है, ऊपर वाला तो मैंने लिख लिया। जब भी आप 3 अपॉन देखो तो ये जो नीचे वाला होता है ना ये पलट जाता है और मल्टीप्लाई में चला जाता है। नीचे वाला पलटो तो 4/4 अपॉन 3 बन गया 3/4, और काय में चला गया, मल्टीप्लाई में चला गया। तो बेटा इसलिए ये दोनों कट जाते हैं, मतलब ये दोनों मैंने अभी पिछली बार काटे ना एक क्वेश्चन में, इस तरह से कटे हैं बेटा वो, है ना। अब ये 2 बन गया 2, 2 2 जा 4। अब बेटा इस 3 को आप लिखिए √3 × √3, और नीचे √3 × 2। √3 से √3 कैंसल, बचा √3/2। √3/2 मिला, √3/2 sin 60 की वैल्यू है। sin 60 डिग्री √3/2 होता है। ये आपकी बुक का ऑप्शन नंबर ए है। यह क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। ये 1 मैंने लिखा, माइनस tan 45 डिग्री होता है बच्चों 1, और उसका क्या स्क्वायर, ये 1 प्लस tan 45 बेटा 1 होता है 1, और उसका स्क्वायर, ये 1 माइनस ये भी 1, और ये 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0, और नीचे क्या बचा 2। तो बेटा ये सॉल्यूशन क्या होगा, ऊपर 0 है इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा 0। तो आपकी बुक में ऑप्शन नंबर जो डी दे रखा है वो आपका आंसर है। आपको इस क्वेश्चन में कहा है कि ये स्टेटमेंट ए की किस वैल्यू पर ट्रू है, तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं, उन ऑप्शन को रख के हम चेक करेंगे कि किस वैल्यू पे ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो पहले ऑप्शन की बात करें तो ए आपको क्या बोला है 0 डिग्री, तो रख देते हैं। सबसे पहले हम LHS ले लेते हैं, LHS sin 2A है, तो ये sin ये 2, बेटा ए की जगह रखा मैंने 0 डिग्री, तो ये हो जाएगा 0, और sin 0 डिग्री कितना होता है 0 होता है। LHS आपने पता कर ली, अब बारी RHS की, तो ये 2 sin A, ये 2 sin A की जगह क्या रख दें 0 डिग्री। अभी बताया मैंने sin 0 कितना होता है, sin 0 डिग्री होता है बेटा 0, तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई करोगे 0 आया। ये देखिए LHS इक्वल हाई है RHS के, कब, जब A आपका कितना है 0 डिग्री। ये स्टेटमेंट कब सही होगा, ट्रू होगा जब A कितना होगा 0 डिग्री, मतलब आपका ऑप्शन आपकी बुक का कौन सा है A वाला। यह क्वेश्चन भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 2 tan 30 डिग्री होता है बेटा 1/√3, ये आपका 1 माइनस tan 30 डिग्री होता है बच्चों 1/√3। लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर लगा दिया, तो बेटा 2 और ये अपॉन हो गया √3, ये 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, है ना। इसको साइड में कैलकुलेट कर लेते हैं क्या आएगा, 1 माइनस 1/3, सिंपल तरीके से करेंगे 3 LCM, इसमें इसका मल्टीप्लाई 3 माइनस इसमें इसका मल्टीप्लाई 1, तो ये कितना हो गया बेटा 2/3, 2/3 इसका कैलकुलेशन, तो अब कर लेते हैं, ये हो गया 2/√3 ऊपर का, और नीचे का आया बेटा आपका सॉल्यूशन इसका 2/3, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, तो हटा देते हैं इसको भी हटा देते, तो क्या आया बेटा 2/√3। मैंने आपसे कहा था
जब भी आप तीन अपॉन देखो, ये देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीन अपॉन देखो तो ऊपर वाला तो मैंने वैसे ही लिख लिया, नीचे वाला पलट जाता है और मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो बेटा ये 2/3 है, ये पलट गया, 3/2 हो गया और मल्टीप्लाई में चला गया। 2 से 2 कैंसल, 3 को आप लिख सकते हो √3 × √3 और √3। √3 से √3 कैंसिल, क्या बचा? √3 बचा। और √3 किसकी वैल्यू होती है बेटा? tan 60 डिग्री की होती है। ये आपकी बुक का सी ऑप्शन है। आपको इस क्वेश्चन में ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आपको ये दे रखा है, आपको कहा है कि जो ए है बड़ा आएगा बी से, तो ये सारी कंडीशन अपने आप ही फॉलो हो जाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। ये देखिए tan, ये ए प्लस बी, √3 को आप लिख सकते हो tan 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ की बात कर लेते हैं, tan A - B बेटा 1/√3 को लिख सकते हो tan 30 डिग्री। ठीक है, अब आप सिंपल बात करें, यहाँ से tan कैंसिल हो गया, ऐसा समझ लीजिए। रियल में ऐसा नहीं होता, दोनों तरफ क्या लेते हैं, tan इनवर्स लिया जाता है। लेकिन अभी जिनको कंफ्यूजन होता है उनके लिए कहूंगी, ये हट गया तो क्या बचा बेटा, ये बचा A + B = 60 डिग्री, ये इक्वेशन 1। ये हट गया तो क्या बचा बेटा, A - B = 30 डिग्री, ये इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 लिखी मैंने, इसके नीचे 2 लिखी, अब इनको सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ रही हूँ तो बेटा A + A कितना हो गया, 2A। ये प्लस का बी है, ये माइनस का बी है, क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, 9 0 19। अब क्या होगा बेटा, ये 2 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में चला गया, कैंसिल कर दो, कितना आया 45 डिग्री, ये आया आपका 45 डिग्री। अब क्या करोगे, किसी भी एक इक्वेशन को लो और उसमें वैल्यू डाल दो, बी आ जाएगा। कोई सी भी एक ले लेते हैं, हम ये वाली ले लेते हैं बाय इक्वेशन 1, क्या है, A + B = 60 डिग्री। ए आपने निकाला 45 डिग्री, ये आपने निकाला 45 डिग्री, इसको रख देते हैं, +B = 60 डिग्री। ये प्लस का 45 है बेटा, उधर गया तो माइनस का 45, घटाइए 15। ए की वैल्यू बेटा 45 है और बी की वैल्यू कितनी है, 15, और उन्होंने यही बोला था कि ए ग्रेटर होगा बी से,